तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एक फ़ोन के अंदर बहुत सारे ऐप क्लोन बना सकते हैं किसी भी ऐप के। तो ये ऐप वाकई में काम करती है और आप इसकी मदद से जितने चाहें किसी एक ऐप के क्लोन बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे काम के लिए, अर्निंग वगैरह के लिए भी कुछ ऐप ऐसे होते हैं कि जिनको आप बहुत सारे ऐप क्रिएट करना चाहते हैं, या आप फेसबुक के अकाउंट अगर आप 4-5 यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप के अकाउंट बहुत सारे लोगों के पास 3-3, 4-4 होते हैं। तो आप एक फ़ोन के अंदर इतनी सारी चीज़ें कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे तो बहुत सारे ऐप आपको मिल जाएंगे क्लोन के लिए, लेकिन ये सबसे बेस्ट है, ये स्मूथली काम करता है, ये क्रैश नहीं होता और ये हैंग वगैरह भी नहीं आपके फ़ोन को होने देगा। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है और यूज़ कैसे करना है तो वो आज की इस वीडियो में आप बता देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट आने के बाद आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करते आपके पास यहाँ पे डाउनलोड एपीके फाइल का बटन शो हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डाउनलोड एपीके फाइल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास अगर कोई ऐड ओपन होती है तो आपने इसको बैक कर देना है। उसके बाद फिर मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ डाउनलोड एपीके फाइल पे, तो यहाँ पे हमारे पास एडफ्लाई की ऐड ओपन होगी। तो एडफ्लाई की जब ऐड ओपन होगी आपने यहाँ पे डैनी पे क्लिक करना है। डैनी पे क्लिक करने के बाद आपके पास 5 सेकंड की ऐड चलेगी ऊपर, उसके बाद आपने स्किप ऐड पे क्लिक कर देना है। स्किप ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद ये अलाउ का बोलेगा, यहाँ पे मैंने पहले से अलाउ किया हुआ था तो इसलिए इसने डायरेक्ट यहाँ पे प्ले स्टोर पे ले आया। तो ये ऐप का आप नाम देख सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको प्ले स्टोर पे सर्च भी कर सकते हैं, वरना आप ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसकी मदद से आप डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद इसको मैं अब ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये काम किस तरह से करती है। तो सबसे पहले हमारे पास इसका जो इंटरफेस आएगा वो इस तरह से आएगा। तो आपने यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास आपके फ़ोन में जितनी ऐप इंस्टॉल हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे जो ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ती है वो है व्हाट्सएप की, तो हम व्हाट्सएप का क्लोन यहाँ पे बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आप यहाँ पे इसके अगर नोटिफिकेशन भी आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन इसके आएँ, इसके अलहदा से नोटिफिकेशन आएँ, तो आप सबसे ऊपर वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अनेबल नोटिफिकेशन पे। दूसरा यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्राइवेसी लॉक, यहाँ पे आप लॉक लगा सकते हैं। तीसरा आपके पास दिया है क्रिएट शॉर्टकट, आप इसका शॉर्टकट क्रिएट करके अपने मोबाइल के जो डेस्कटॉप पे रख सकते हैं आपके, जैसे आपके मोबाइल पे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ये ऐप आए हुए हैं, तो आपके मोबाइल के इस तरह आप यहाँ पे वो शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट क्रिएट करके भी दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम पेंसिल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इसमें चीज़ें वो चेंज करने को दे रहा है। तो सबसे पहली उसकी चीज़ चेंज क्या हो रही है, यहाँ पे इसका कलर चेंज हो रहा है। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा उसकी ओपेसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे हम कोई और कलर रख लेते हैं। और तीसरा यहाँ पे उसकी लाइट चेंज हो रही है, लाइट कम ज़्यादा हो रही है, तो हम इसको तेज़ कर लेते हैं। तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसके साइड पे दायरा जो लगा हुआ है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं भी, ये किस ऐप से क्रिएट किया गया है ये ऐप, तो ये उसका लोगो भी आ रहा है, तो हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। ख़त्म करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये बन जाएगा। अगर आपकी ये सेटिंग ख़राब हो गई है तो आप यहाँ पे रीसेट करके इसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं। तीसरा मेन चीज़, यहाँ पे आप इसके व्हाट्सएप का जो है नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टेस्ट लिख रहा हूँ और उसके बाद ओके कर रहा हूँ, और मैं स्टार्ट पे यहाँ पे नीचे स्टार्ट का बटन है मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे हमारी ऐप क्रिएट हो रही है। तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक ये हमारी ऐप बन नहीं जाती। ऐप बनने के बाद वो यहाँ पे ओपन कर दिया उसने और वो कह रहा है कि आप अपना नंबर दें और आपकी व्हाट्सएप बन जाएगी।
तो मैं इसको सारा बैक कर देता हूँ और यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे अगर आपने दोबारा कभी ओपन करनी हो तो यहाँ पे सुपर क्लोन यहाँ पे इसका नाम है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपके पास आपकी ऐप आ जाएगी और आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इस तरह से जितनी मर्जी ऐप चाहे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बनाया व्हाट्सएप, मैं यहाँ पे दूसरा बना के देख लेता हूँ क्या हमारे पास दूसरा व्हाट्सएप भी बन रहा है। तो मैं फिर यहाँ पे व्हाट्सएप सेलेक्ट करके इस पर क्लिक किया और यहाँ पे फिर वही चीज़ें आ रही हैं, आप लॉक लगा सकते हैं, क्रिएट शॉर्टकट, यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट का मैंने किया तो था लेकिन वहाँ पे नहीं शो हुआ, पता नहीं किस वजह से, आप करके देख लीजिएगा क्या पता आपके पास ये शो हो जाए। तो अब यहाँ पे हम इसकी डिटेल चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं पेन पे क्लिक करता हूँ और पेन पे क्लिक करते ही हमारे पास कुछ इतनी सी चीज़ें ओपन हो जाती हैं जिसमें हम अपना नाम कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से चेंज कर लेता हूँ और इसका जो इस बार मैं इसको वो लगा के लगा रहने देता हूँ जो इसके साइड पे बॉर्डर लगा हुआ है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ और नीचे स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमारी ऐप बन जाएगी। तो ऐप बनने के बाद फिर वही चीज़ आ गई कि आप अपना नंबर ऐड करें, यहाँ पे आप अपना नंबर ऐड करेंगे तो आपकी व्हाट्सएप बन जाएगी। तो मैं बैक करके देख लेता हूँ, ये देखें तो यहाँ पे पहला जो हमने व्हाट्सएप बनाया था उसके यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड पे जो है कोई भी बॉर्डर नहीं है, दूसरा जो हमने बनाया उसके साइड पे बॉर्डर है और वहाँ पे 2 लिखा हुआ है। इसी तरह आप जितने व्हाट्सएप बनाते जाएंगे आपके यहाँ पे नंबरिंग आती जाएगी। तो अब आप अपने फ़ोन के अंदर जितनी चाहें व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इस हर चीज़ का जितना चाहे क्लोन बना सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी और भी ऐप है, आप किसी का भी क्लोन बना सकते हैं, ये बाकी में काम करता है। तो मेरी वेबसाइट पे जितनी भी ऐप्स हैं कोई भी फेक नहीं है और उसमें कोई ना कोई वजह है जिस वजह से मैंने अपनी वेबसाइट पे उन ऐप को दिया हुआ है। तो इसी तरह से अगर आप और क्लोन बनाना चाहें तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी में एक दो क्लिक की मदद से आप क्लोन बना सकते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें इस वीडियो के बारे में और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी मसला ना हो कहीं से व्हाट्सएप डाउनलोड करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।